ऑप्टिक्स है, फिर स्वीट शॉप्स है, ऑप्टिक्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी इंडिविजुअल कस्टमर्स। हाय, मैं मोटिवेशनल स्पीकर सोडियम सर, मोटिवेशन फॉर डब्ल्यू में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स मिलाने वाला हूँ जो महज 13 वर्ष की उम्र में ही एंटरप्रेन्योर बना है, आई मीन बिजनेस फाउंडर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तिलक मेहता जो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है और अपने फ्रेंड के साथ पर डे वह स्कूल जाता है, क्लास को अटेंड करता है, उनके साथ मौज मस्ती करता है और खूब मन लगा के पढ़ता है, और कुछ ऐसा करता है जिसे आप देखकर बोलेंगे ओ एम जी, ओ माय गॉड। जी हाँ, वह पर संडे को अपने ऑफिस जाता है, अपने एम्प्लॉय से मिलता है, बिजनेस अपडेट लेता है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए उनके साथ ट्रेनिंग करता है, मीटिंग करता है, क्योंकि वह है एक बिजनेसमैन। ओ एम जी, ओ माय गॉड, नन्ही सी जान ने बिजनेस खड़ा कर दी। अब मैं आपको मिलाता हूँ तिलक मेहता से, जो अपने बारे में खुद प्रेजेंट करें। माय नेम इज तिलक मेहता, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं पेपर्स एंड पार्सल्स का फाउंडर हूँ। पेपर्स एंड पार्सल्स इज बेसिकली ऐप बेस्ड कुरियर सर्विस, इट प्रोवाइड सेम डे डिलीवरी एट अ रीजन। ओएमजी, ओ माय गॉड, नन्ही सी जान ने बिजनेस खड़ा कर दी। अरे यार, तुम तो कॉम्प्लेक्स दे रहे हो, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा आइडिया आपको आया कहाँ से? मेरे अंकल के घर पे गया था और मैं मेरी उधर बुक्स भूल गया था। सो नेक्स्ट डे आई आस्क्ड माय फादर कि अगर कोई कुरियर कंपनी है जो मुझे पहुंचा सकती है बुक सेम डे। उन्होंने मेरे को बताया कि ये तेरे बुक से ज़्यादा चार्ज करेगी और ऐसी कंपनीज भी बहुत कम है। देन अ फ्यू डेज लेटर आई सॉ अ डब्बा वाला इन माय कॉलेज एंड मेरे को स्ट्राइक हुआ कि अगर हम एक कंपनी स्टार्ट करें तो सेम डे डिलीवरी मुंबई में कर सकती है डब्बे वालों के साथ। तो मैं उनके पास जाके उनको पूछा कि उनका प्राइसिंग कैसे वर्क करता है, उनका सर्विस रेंज किधर से किधर तक है। देन आई डिड माई कैलकुलेशन एंड अंडरस्टूड दैट दे डू इट एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट या डिलीवरी। आई शेयर्ड दिस विद माई फादर एंड देन दिस स्मॉल आइडिया टर्न्ड इनटू अ कंपनी। तिलक के इस धांसू आइडिया को रियलिटी का शक्ल देने में साथ दिया उनके अंकल ने, जो एक बैंकर थे। वह तिलक के इस आइडिया से इस तरह से कन्विंस हुए कि बैंक के जॉब को रिजाइन किया और तिलक के बिजनेस को ज्वाइन किया और बन गया पेपर एंड पार्सल का CEO। 80% ऑफ द काम करके रखा हुआ था, बहुत सारा चीज उसके पास वैलिडिटी डेटा था। मैंने उसका आइडिया को सुना, मैंने उस पर फाइनेंशियल रिसर्च किया, मुझे समझा कि ये फाइनेंशियली ये बिजनेस सेंस में करता है, मैं ये कंपनी के साथ। आप जी हाँ, आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि छोटे से बच्चे ये कैसे कर सकता है। जी हाँ, अगर ऐसा ख्याल आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि मैं बता दूँ कि ये छोटे से बच्चे को हेल्प किया इनके पेरेंट्स ने। स्टार्टिंग में तिलक को साथ दिया उनके पेरेंट्स ने, उनके अंकल ने, और तिलक ने अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर 127 साल पुराना मुंबई के डब्बा वाले कुरियर के साथ कन्विंस किया और जुलाई 2018 में अपने बिजनेस की धमाकेदार शुरुआत कर दी। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि तिलक मेहता के अंडर में 300 डब्बे वाले काम करते हैं। जी हाँ, डब्बे वाले के साथ कन्वेंस करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वह ट्रेवलिंग कर खुद नए रूट्स को देखते हैं। और तो और, इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए उसने एक ऐप भी बनवाया है जो इन सारे काम को खुद तिलक मेहता ने किया है। तभी तो वह आज बहुत सारे कुरियर कंपनी के प्रोवाइडर हैं। और दिलचस्प की बात यह है कि तिलक मेहता के अंडर में 300 डब्बे वाले काम करते हैं, पर डे 1200 डिलीवरीज करना। और तो और, उनका टारगेट है कि 2020 तक 1,00,000 पर डे डिलीवरी करना और 100 करोड़ की बिजनेस को बनाना। वाओ, ओ माय गॉड, नन्ही सी जान ने इतना बड़ा प्लान किया है। बात और मैं और कहना चाहूँगा,
आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपके दिल व दिमाग में माइंड में एक बात जरूर आया होगा कि काश मैं भी तिलक मेहता के जैसा बनूं। जी अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो बिल्कुल सही ख्याल आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी छोटी सी विनती है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका भी कुछ करने का थॉट्स है, जो आपकी ओपिनियन है, इन सारे थॉट्स को, इन सारे ओपिनियन को, इन सारे डिज़ायर को अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर साझा करें। अगर आप टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी छोटी सी विनती है कि आप अपने काम तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप अपने बच्चों के बारे में भी सोचते हैं, ये भी अच्छी बात है, ये भी सोचते हैं कि आपका बच्चा कुछ बड़ा करे। अगर आप चाहते हैं कि वह बड़ा करे तो आपसे मेरी छोटी सी विनती है कि आप पर डे कम से कम 20 से 30 मिनट अपने बच्चों के साथ ज़रूर निकालें। अगर पर डे नहीं निकाल सकते हैं तो सप्ताह में एक दिन निकालें और अपने बच्चे के साथ गपशप करें, उनसे बात करें, उनके डिज़ायर को जानें, आपकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या ओपिनियन है, इन दोनों ओपिनियन पे खूब डिस्कस करें और देखें कि आप भी बहुत जल्द बहुत बड़े कारनामे करके दिखाएंगे। जी हाँ, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को देखने के बाद तिलक मेहता के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इन वीडियो को चारों तरफ फैला दें।